जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल कंप्यूटर ब्रेन एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे नेक्स्ट वीडियो भी आपको आसानी से मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। ये है हमारा एक्शन बटन। एक्शन बटन का यूज किस लिए करते हैं फ्रेंड्स? एक्शन बटन हम यूज करते हैं, जैसे ही हम एक्शन बटन पे क्लिक करें तो कोई फाइल खुल जाए, या फिर हम जब एक्शन बटन पे क्लिक करें तो नेक्स्ट स्लाइड अपने आप आ जाए, या फिर हम जब हम एक्शन बटन पे क्लिक करें तो प्रीवियस स्लाइड आ जाए, या फिर हम चाहते हैं कि प्रेजेंटेशन शो करते टाइम ही एक्शन बटन पे क्लिक करने पे कोई मूवी खुल जाए, या फिर प्रेजेंटेशन शो करते हुए एक्शन बटन में अगर हम कोई टाइप करें तो कोई साउंड बजने लग जाए, या फिर इस तरह से बहुत सारे टास्क होते हैं जो कि हम करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम यूज करते हैं फ्रेंड्स एक्शन बटन का। तो प्रैक्टिकल शुरू करते हैं फ्रेंड्स। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्लाइड टू को खोल लेते हैं और हम चाहते हैं फ्रेंड्स कि स्लाइड पे जैसे हम यहाँ पे एक बटन चाहते हैं और हम चाहते हैं जैसे हम यहाँ पे क्लिक करें तो ये स्लाइड नंबर टू है तो जो थ्री नंबर है वो ऑटोमेटिकली खुल जाए। तो इसके लिए हम जाएंगे इंसर्ट में, टैब में और शेप में। शेप में जाएंगे और सबसे नीचे ड्रैग करके ले जाएंगे सारे हमारे एक्शन बटन होते हैं और इसमें देखिए हमें सिलेक्ट करना है एक्शन बटन फॉरवर्ड या नेक्स्ट। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे ड्रैग कर देंगे तो ये आ गया एक्शन बटन। तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्लाइड लिखा हुआ आ ही रहा है और आपको सिर्फ ओके बटन पे क्लिक करना है। देखिए, अब इसी तरह से हम एक प्रीवियस भी अभी ले लेते हैं साथ के साथ। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया और जाते हैं सबसे एंड में और ये होता है हमारा प्रीवियस वाला, यानी प्रीवियस स्लाइड पे जाने के लिए। तो हमने इसको सिलेक्ट किया और इधर सेलेक्ट कर लेते हैं इसको प्रीवियस स्लाइड। ओके फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ कर लेते हैं, ये देखिए। और साथ ही साथ हम एक बटन और ले लेते हैं जो सबसे एंड वाली स्लाइड पे जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जाना है शेप पे और ड्रैग करेंगे, सबसे नीचे जाएंगे और ये जो हमारा एरो बटन है और उसके साइड में जो लिखा हुआ है ना एक बार है तो हमें ये लेना है, क्योंकि ये किसके लिए होता है, एंड स्लाइड के लिए। तो हमने इसको सिलेक्ट किया और हम यहाँ पे साइड में कर देते हैं सबसे एंड स्लाइड यानी लास्ट स्लाइड। देखिए यहाँ पे लास्ट स्लाइड लिखा हुआ आ रहा है, ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं। इसी तरह से यहाँ पे क्लिक करने से क्या होगा, सबसे एंड में यानी जो सबसे लास्ट वाली हमारी स्लाइड है जो माइक्रो प्रोसेसर जिसपे लिखा हुआ है, यहाँ पे बटन पे क्लिक करने से हम इस स्लाइड पे पहुंच जाएंगे। अब ले लेते हैं सबसे फर्स्ट वाली स्लाइड पे। तो सबसे फर्स्ट वाली स्लाइड पे जाने के लिए हमें कौन सा बटन लेना है, इस बार हम लेंगे एक्शन बटन बिगनिंग यानी सबसे पहली वाली स्लाइड। तो बिगनिंग पे सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे इसको ले लेते हैं। तो देखिए हमने ये ले लिया और यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड आ गया है, ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। तो हमने ओके बटन पे क्लिक कर दिया है, ये देखिए। तो ये लेने के बाद फ्रेंड्स, पहले हम इतना प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। अब हम दबाते हैं F5 बटन जिससे कि प्रेजेंटेशन शो होता है। तो जैसे ही हम F5 बटन दबाते हैं तो फ्रेंड्स आप देखेंगे ऐसे ही बटन आएगा हमारा। अब देखिए जो सबसे लास्ट वाला दबाते हैं तो ये कहाँ पहुंच गए, हम सबसे एंड वाली स्लाइड पे पहुंच गए, है ना। फिर हम इसको क्या करते हैं, एंड शो कर देते हैं। अब हम दूसरा एक बार फिर शो करके देखते हैं F5 और इस बार हम करेंगे नेक्स्ट स्लाइड वाला प्रैक्टिकल जो हमने लिया था। ये देखिए जो ये वाला बटन है कहाँ पहुंचाएगा हमें, नेक्स्ट स्लाइड पे यानी थर्ड वाली स्लाइड पे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे क्लिक किया, अब ये नेक्स्ट वाली स्लाइड आ गई क्योंकि हमारी SMPS की कौन सी स्लाइड थी, थर्ड वाली। हम इसको भी एंड लिस्ट कर देते हैं। अब दूसरा करके देखते हैं F5, अब ये देखिए। अब इस वाले बटन से क्या होगा, हम पहले वाली स्लाइड पे पहुंच जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, देखिए सबसे पहले वाली स्लाइड आ गई, कंप्यूटर पार्ट नेम ऑफ हार्डवेयर। तो इस तरह से हम नेक्स्ट वाली स्लाइड पे, सबसे फर्स्ट वाली स्लाइड पे पहुंच सकते हैं। और एक बटन हमने और लिया था, ये देखिए। तो ये तो था प्रीवियस वाली स्लाइड पे जाने के लिए यानी पहले वाली, और ये होता है फर्स्ट वाली स्लाइड पे जाने के लिए, है ना। तो हम यहाँ पे क्लिक करते के देखते हैं तो देखिए हमारी फर्स्ट वाली स्लाइड आ गई है। तो इस तरह से हम लोग इस बटन का यूज कर सकते हैं और करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद इसमें एक्शन बटन में और भी बहुत कुछ है तो समझते हैं उसको भी। देखिए डिजाइन में सबसे नीचे आ रहा है, यहाँ पे सबसे नीचे ड्रैग कर देते हैं। इसके बाद आ रहा है होम। कभी कभी क्या होता है कि जब हम प्रेजेंटेशन शो करते हैं और हमारी जो प्रेजेंटेशन, जिस प्रेजेंटेशन पे आने के बाद हम चाहते हैं पहली प्रेजेंटेशन यानी जो होम प्रेजेंटेशन है, हमारा होम स्लाइड है, हम उस पर पहुंच जाए, तो उसके लिए आपको होम वाला बटन देना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि जैसे ये मदरबोर्ड वाली स्लाइड आए तो इसके बाद जैसे ही यहाँ पे हम होम बटन चाहते हैं
कोई भी होम बटन पे क्लिक करे तो पहली वाली स्लाइड यानी फर्स्ट स्लाइड हमारी ओपन हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या लेना होगा, होम यानी होम एक्शन बटन लेना होगा। तो हम जाएंगे शेप पर और सबसे नीचे ड्रैग करके देखिए ये होम आ रहा है, अब इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और हमने यहाँ पे ले लिया होम। तो यहाँ फर्स्ट स्लाइड ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ गया है, ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट स्लाइड का मतलब होता है जो फर्स्ट स्लाइड होती है उसी को ही हम होम बोलते हैं यानी होम स्लाइड बोलते हैं। तो ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं फ्रेंड्स। अब शो करके देखते हैं, देखिए F5 और जैसे सबसे लास्ट वाली जो ये देखिए अब होम आ रहा है। जैसे हम होम बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, पहली वाली स्लाइड खुल जाएगी। ये देखिए पहली वाली स्लाइड ओपन हो गई है, ठीक है। इसके बाद एन कर देते हैं इसको। इसके बाद इसमें एक्शन बटन में आता है, अब समझते हैं हम ये आपका मूवी। तो मूवी क्या होता है फ्रेंड्स, कभी कभी आप प्रेजेंटेशन देते हो और उसके जिसके बारे में आप डिस्कशन दे रहे हो तो उसी का कुछ मूवीज बना रखी है या कुछ वीडियोस होते हैं जो हमें प्ले करके प्रेजेंटेशन में यूजर्स को दिखाने पड़ते हैं, जो हमारे व्यूअर्स होते हैं उनको दिखाने होते हैं। तो उसके लिए हम यूज करते हैं मूवी बटन। तो मूवी बटन पे जाएंगे और जहां पे भी आपको मूवी बटन चाहिए उस स्लाइड पे जाएंगे। मान लेते हैं कि ये जो हमारा माइक्रो SMPS है तो इसमें हम एक मूवी बटन चाहते हैं और हम मूवी बटन चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, पहले तो स्लाइड पर जाएंगे जहाँ पे आप मूवी बटन चाहते हैं। अब उसके बाद आप मूवी बटन पे क्लिक करेंगे, हमने क्लिक कर दिया और जहाँ पे भी चाहिए उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए अब मूवी बटन, अब वो मूवी है जो वीडियो है वो आपका कहाँ है, आपके कंप्यूटर में कहाँ है। तो आपको उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि जैसे ही कोई इस पे क्लिक करे तो वो जो वीडियो है हमारा वो ओपन हो जाए। तो रन प्रोग्राम पे जाएंगे, ब्राउज करेंगे और आपका कंप्यूटर एक्सप्लोर हो जाएगा। तो जहाँ पे भी आपका वीडियो होगा तो आप वहाँ पे चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे वीडियो अभी नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ प्रोग्राम में जाएंगे, ऑल फाइल कर देंगे। तो ये कुछ वीडियो है, इसमें हमने ये वीडियो ले लेते हैं और ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे फिर ओके बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो फ्रेंड जैसे ही कोई यहाँ पे क्लिक करेगा तो जो हमने वीडियो भी सिलेक्ट किया है वही ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही प्रेजेंटेशन शो करेंगे देखेंगे हम, देखेंगे प्रेजेंटेशन शो कर दिया F5 बटन दबा के। और जैसे ये मूवी का बटन आया, अब देखिए हमने इस पर क्लिक किया, अब आपको ये डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। तो ये सिक्योरिटी रीजन से पूछता है तो हम क्या करेंगे, अनेबल कर देंगे, ठीक है। तो अनेबल कर देंगे तो देखेंगे आप, देखिए ये हमारा खुल चुका है वीडियो। और बट आप जो प्रेजेंटेशन दे रहे हो आप उसी के अकॉर्डिंग आपके वीडियो होगा तो वो शो हो जाएगा जो कि आप सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से आप अपने वीडियो को भी इसमें जोड़ सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। तो हम इसे क्लोज कर देते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद आता है हमारा शेप में, अब हम करके देखते हैं डॉक्यूमेंट। फ्रेंड्स हम चाहते हैं एक ऐसा बटन, एक्शन बटन जिसपे क्लिक करके कोई डॉक्यूमेंट खुल जाए, चाहे तो कोई वर्ड की फाइल खुल जाए या एक्सेल की फाइल खुल जाए, है ना। तो उसके लिए हम जाएंगे डॉक्यूमेंट बटन पर और जहां भी चाहिए आप डॉक्यूमेंट बटन ले लेंगे। अब हम चाहते हैं वो पूछता है कि वो डॉक्यूमेंट है कहाँ, है ना। तो आप क्या करेंगे, रन प्रोग्राम में जाएंगे, ब्राउज करेंगे और हमने एक डेस्कटॉप पे हेल्प नाम की एक फाइल बना रखी है तो ये हमारा अभी नहीं आ रहा है इसमें। तो आप क्या करेंगे, प्रोग्राम की जगह ऑल प्रोग्राम कर देंगे। तो जितने प्रोग्राम होंगे सारे यहाँ पे दिखने लगेंगे। अब देखिए हेल्प नाम की फाइल है, इसको सिलेक्ट कर लिया हमने और ओके बटन पर क्लिक कर दिया। फ्रेंड्स इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपको ओके बटन पर क्लिक करना है। अब देखिए जैसे हम शो करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो हमने फाइल लिंक करी है यानी जोड़ी है वही फाइल ओपन हो जाएगी। तो हम F5 बटन दबा देते हैं। ये देखिए हमने F5 बटन दबाया और हम क्लिक करते हैं और इसके बाद देखिए ये डॉक्यूमेंट बटन आ रहा है और हमने इसके डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, अनेबल किया तो आप देखेंगे वर्ड की हमारी वही फाइल खुल गई है हेल्प नाम की। तो इसमें क्या है, ओनली फॉर टेस्टिंग ही लिखा हुआ था तो वो ओपन हो गया। तो इस तरह से आप अपने प्रेजेंटेशन की संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट इससे लिंक कर सकते हैं बाय डॉक्यूमेंट बटन। फ्रेंड्स फिर जाते हैं एंड स्लाइड पे, इसके बाद और देखते हैं इसमें क्या है। फ्रेंड इसमें है ये साउंड, हम चाहते हैं कभी कभी क्या होता है कि आपने कोई आवाज रिकॉर्ड कर रखी है या कुछ स्पीच दे रखी है तो आप चाहते हैं कि किसी स्लाइड पे जाने के बाद वो स्पीच ओपन हो जाए, यानी उस स्लाइड के बारे में जो भी बताना है वो आपने रिकॉर्डिंग किया हुआ है या पहले से किसी का पड़ा हुआ है तो आप उसको लिंक करना चाहते हैं वॉइस को या फिर कोई सॉन्ग या जो भी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले तो स्लाइड पे चले जाना है जिस स्लाइड पे आपको चाहिए, फिर आपको क्लिक करना है एक्शन बटन पर और एक्शन बटन साउंड पे क्लिक करना है और जहां चाहिए आप वहां पे
इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसमें कौन सा साउंड सिलेक्ट करना है, कौन सा साउंड लिंक करना है, तो रन प्रोग्राम में जाएंगे, ब्राउज में जाएंगे और यहाँ पे देखते हैं म्यूजिक की कोई फाइल पड़ी है या नहीं। तो देखिए अभी यहाँ पे ऑल प्रोग्राम कर देते हैं, तो जहाँ पे भी आपकी फाइल होगी म्यूजिक की फाइल वो आप देख लेंगे। देखिए ये सारी म्यूजिक की फाइल है, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है और ओके बटन पर क्लिक कर दिया। आप अपनी संबंधित ही फाइल सिलेक्ट करेंगे, हमने ओके बटन पे क्लिक किया। अब फ्रेंड्स F5 बटन दबा के देखते हैं और उसका प्रैक्टिकल करते हैं। ये देखिए अब क्या होता है, जैसे ही कोई साउंड बटन पे क्लिक करेगा तो जो हमने साउंड और अनेबल करेगा तो जो हमने साउंड लिंक किया है वो साउंड ओपन हो जाएगा। ये देखिए ये वही साउंड ओपन हो गया ऑटोमेटिकली। तो इस तरह से हम एक्शन बटन का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा एक्शन बटन, तो आई होप दैट आपको एक्शन बटन अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।